आज हम आपको बताएंगे कि घर में कई बार बच्चों के जूते सैंडल वगैरह टूट जाते हैं, उन्हें घर पर कैसे ठीक करें। अब ये मेरे बच्चे का एक सैंडल है जो टूट गया है, आज हम आपको बताएंगे कि इसे घर पे कैसे जोड़ें। अतः इन जूतों को जोड़ने के लिए आपको एक सुई धागा चाहिए और एक चाहिए आपको सैंडल जो टूटा हुआ हो। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने घर पे ही बैठे बैठे, क्योंकि लॉकडाउन में कई बार मोची नहीं मिलता, कभी क्या परेशानी होती है, कभी क्या होता है, अतः बाहर निकलना नहीं हो पाता और मोचियों के नाटक आप जानते हो, जाते हैं तो मिलते नहीं हैं और मिलते हैं तो सिलते नहीं हैं, सिलते हैं तो चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। ऐसे में आप क्या करोगे कि घर में बैठे कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप अपने जूते बच्चे के कैसे ठीक करेंगे। अब बच्चे अक्सर अपने जूते तोड़ देते हैं, बच्चों का भी कसूर नहीं है, ठीक है, बच्चा खेलेगा तो चीज़ बार बार टूटेगी, लेकिन कई बार लॉकडाउन में और ऐसे मोची मिलना सब जगह पॉसिबल नहीं होता। अतः मैं आज आपको बताऊँगा कि आप कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक जूता जो टूटा हुआ है वो देख लें किस प्रकार से टूटा है, और एक सुई धागा ले लें। धागा आप मजबूत ले लें, थोड़ा मोटा धागा ले लें। अब आपको जोड़ना कैसे है ये हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जूता लेकर इस जूते में कोई सा भी धागा ले लें, कलर की आप चिंता ना करें, क्योंकि कलर तो क्या है कि इसके ऊपर अपन बाद में लास्ट में पॉलिश कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आपको क्या है, एक गिटान बांध लेनी है, धागा निकालें, मैंने पहले ऑलरेडी धागा पिरो के रखा है, ठीक है। ये टेम्परेरी के हिसाब से है, आप अगर मोटे धागे से सिलेंगे तो देखो ज़्यादा दिन चलेगा, और अगर पतले से सिलोगे तो उसी हिसाब से वो अकॉर्डिंगली सिल जाएगा। दादा आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे देखिए, आप देखते जाइए आपको सिलना कैसे। ये सुई आपने इसमें डाली और इस प्रकार से आपने सुई को थोड़ा धक्का मार के इस प्रकार से आप इस जूते को सिल देंगे। अतः अब इसको क्या है कि जैसे अब ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या है, एक काली पॉलिश हल्की सी करेंगे, जिससे क्या है कि ये बिल्कुल ढक जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको जो है ये जूता दिखने लग जाएगा। इस प्रकार आप पहले सिल लीजिए सुई से। इस प्रकार हमने ये इसके ऊपर पॉलिश कर दी है, और पॉलिश करने के बाद अतः इस प्रकार देखिए हमने पॉलिश कर दी, और अब जूता कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि टूटा हुआ है। ये देखिए जो सिला था हमने, कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिला हुआ है। ये देखिए एकदम चकाचक जूता हो गया, पॉलिश करने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कहीं से सिला भी था कि नहीं। अतः आप पॉलिश करने के बाद इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना जूता घर पे आराम से सिल सकते हैं।